व्यूअर्स जस्ट इमेजिन आपको टाइम स्टॉप करने वाली घड़ी मिल जाए जिसकी मदद से सभी लोगों को उनकी जगह पर फ्रीज किया जा सकता था। लेकिन टाइम के साथ छेड़खानी करने का नतीजा कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है इस बारे में तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें पल नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर आकर टिकट ले रहा था, लेकिन उस फ्लाइट की सारी टिकट्स बिक चुकी थी। इसीलिए अब वो वैज्ञानिक एक आदमी के पास आकर उसे बहुत सारे पैसे देता है। इसके बदले उस वैज्ञानिक ने आदमी की टिकट ले थी। लेकिन जब वो वैज्ञानिक एरोप्लेन में जाने लगता है तभी एक अनजान पावर उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। वो वैज्ञानिक तो हवा में उड़ता हुआ एक वैन में पहुंच जाता है जहां पर कुछ एजेंट्स पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने उस वैज्ञानिक की दाढ़ी और मूंछ निकाल दी। साथ ही साथ उन्होंने वैज्ञानिक का घड़ी भी ले लिया था। इसके बाद हमें जैक नाम का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो जूनियर स्कूल में पढ़ाई किया करता था। जैक के फादर तो उसी के स्कूल में साइंस टीचर थे और अब जैक अपने एक दोस्त के साथ होता है। तभी जैक का ध्यान एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की तरफ गया था जिसका नाम सोफिया था। जैक तो सोफिया के पास जाकर उससे डायरेक्टली बात करने लगता है, लेकिन सोफिया तो जरा भी जैक में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। दरअसल सोफिया ने अभी अभी जैक के ही स्कूल में एडमिशन लिया था, इसीलिए जैक सोफिया से दोस्ती करना चाहता है और जैक तो इतनी कम टाइम में सोफिया को पसंद भी करने लगा था। स्कूल खत्म होने के बाद जैक अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने फादर से पिछले 2 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके लिए एक कार खरीद दे, लेकिन जैक के फादर के पास जरा भी टाइम नहीं होता और अब जैक के फादर उसे मना करके अपने लेबोरेटरी में चले जाते हैं जहाँ पर वो एक अजीब सी घड़ी के ऊपर काम कर रहे थे। दरअसल जैक के फादर उस वैज्ञानिक के दोस्त होते हैं जिसे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और अब जैक के फादर अपने उसी दोस्त का एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं। तभी जैक की मॉम उन्हें आकर कह रही थी कि जैक बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका है, इसीलिए अब जैक के फादर उस घड़ी को रखकर जैक को मनाने के लिए चले गए थे। लेकिन जैक तो अपने मॉम एंड डैड की कोई भी बात ही नहीं सुनता और वो वहाँ से तुरंत ही चला गया था। अब हमें हैरी नाम का एक कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है जिसकी कंपनी हाल ही में हाइपर टाइम नाम की एक बहुत ही एडवांस डिवाइस पर काम कर रही थी, लेकिन उस डिवाइस में एक छोटी सी ग्लिच होने के कारण वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। इसीलिए अब हैरी से मिलने नेशनल सिक्योरिटी का एक एजेंट आता है जो हैरी को बता रहा था कि उसकी कंपनी का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि हाइपर टाइम से खिलवाड़ करना किसी बच्चों का खेल नहीं था और इसकी वजह से हमारी पूरी इंसानियत भी खत्म हो सकती थी। इसीलिए अब वो एजेंट हैरी को कुछ दिनों का टाइम देता है जिसके अंदर हैरी की कंपनी उस डिवाइस का ग्लिच ठीक कर सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो NSA वाले जल्द से जल्द आकर उसके इस डिवाइस को जब्त कर लेंगे। अब हैरी अपने उस हाइपर टाइम वाले डिवाइस के पास आ जाता है जिसका साइज सच में बहुत ही बड़ा था। उस हाइपर टाइम के अंदर वही वैज्ञानिक काम करता रहता है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में एयरपोर्ट पर देखा था। हैरी चाहता था कि ये वैज्ञानिक कैसे भी करके उनकी डिवाइस का ग्लिच ठीक कर दे, पर अब वो वैज्ञानिक हैरी को बताता है कि उसने अपना काम और भी आसान कर दिया है क्योंकि उसने इन सारी चीजों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसे अपने दोस्त के पास भेज दिया था। ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि जैक के फादर ही होते हैं। दरअसल वैज्ञानिक ने जैक के फादर को एक घड़ी भेजी थी जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारे डिटेल्स मौजूद थे। हैरी ये बात सुनकर वैज्ञानिक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि कुछ भी हो जाए ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अब हैरी अपने आदमियों से कहकर जैक के फादर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जैक अपने फादर के स्टोर रूम में कुछ देखता रहता है, तभी उसे वहाँ पर अपने फादर की एक वॉच मिल गई थी जिसे कि जैक नॉर्मल घड़ी समझकर पहन लेता है, और अब वो हमेशा की तरह अपने स्कूल में आ गया था। वहाँ पर जैक देखता है कि सोफिया को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, इसीलिए अब जैक सोफिया की मदद करने के लिए उसके पास चला गया था, पर वो बदमाश लड़के जैक को ही मार कर नीचे गिरा देते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद उल्टा सोफिया ही जैक की मदद करती है, लेकिन अब जाकर वो जैक से बात करने लगी थी। जैक भी खुश हो गया था क्योंकि वो इनडायरेक्टली यही चाहता था। सोफिया जैक को बताती है कि उसे अपने गार्डन की सफाई करनी है, लेकिन अब जैक सोफिया के और भी क्लोज आने के लिए उसकी मदद करने चला गया था। इसके बाद वो दोनों सोफिया के गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर वो मिलकर गार्डन की सफाई कर रहे थे। तभी सोफिया जैक के उसकी घड़ी में टाइम पूछती है, लेकिन जैक ने जब अपने फादर की उस घड़ी को देखा तब उसके अंदर टाइम गलत था, इसीलिए जैक उस घड़ी के टाइम को ठीक करने लगता है। पर उसने जैसे ही घड़ी के बटन्स को दबाया तभी आसपास की सारी चीजें एकदम से रुक गई थी। जैक तो एकदम शॉक हो गया था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो अपने आसपास की चीजों को देखता है तब वो सब एकदम से रुक चुके थे। वहाँ पर तो एक जंगली चूहा भी होता है जो कि स्टैचू बन गया था। जैक उसे लेकर सोफिया के पास आ जाता है, लेकिन सोफिया भी बाकी लोगों की तरह फ्रीज हो गई थी। तभी अचानक टाइम वापस से रिज्यूम हो जाता है और जैक ने जो जंगली चूहे को अपने हाथ में पकड़ा था वो भी जिंदा हो गया था, जिसे देखकर सोफिया जोर से चिल्लाने लग जाती है। सोफिया जैक से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उसके बिना एक छोटा
थोड़ा सा काम भी नहीं कर पाया। और जैक तो बोल रहा था कि वो पिछले आधे घंटे से काम कर रहा है, लेकिन सोफिया जैक की बात नहीं मानती। और अब जैक ने फिर से उस घड़ी के बटन दबा दिए थे, जिससे जैक के आसपास की सारी चीजें फिर से रुक जाती हैं। और अब जैक ये बात तो समझ गया था कि घड़ी के बटन्स को दबाने पर ही सारी चीजें रुक जा रही हैं। सब कुछ वापस से नॉर्मल करने के बाद जैक सोफिया को सारी बातें बता रहा था। जैक सोफिया को एहसास दिलाने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सोफिया का हाथ अपने बॉडी पर रखता है। और अब जैक ने घड़ी की मदद से सारे टाइम को स्टॉप कर दिया था, जिससे कि अब जैक के साथ साथ सोफिया भी मूव हो सकती थी। उन दोनों ने देखा कि उनके आसपास की सारी चीजें एकदम से स्टॉप हो गई हैं। इंसानों से लेकर जानवर तक भी एकदम फ्रीज हो चुके थे। जैक अंदाजा लगाता है कि शायद से ये घड़ी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है, क्योंकि इस घड़ी के ऊपर उसके फादर कई दिनों से काम कर रहे थे। ये पता चलने के बाद जैक और सोफिया उस घड़ी की मदद से बहुत सारे मजे करते हैं। उन दोनों ने मिलकर तो उन बदमाश लड़कों को भी सबक सिखा दिया था जिसने स्कूल में सोफिया को परेशान किया था, और अब वो दोनों इस एडवांस घड़ी की मदद से बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद जैक अपने घर पर जाता है, पर तभी वो अपने घर में कुछ रोशनी देखता है। जैक तो बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि उसने तो टाइम को स्टॉप कर दिया होता है, फिर आखिरकार कोई भी हिल कैसे सकता था। जैक अपने घर पर जाकर चेक करता है, जहाँ पर उसके मॉम एंड डैड बैठकर टीवी देख रहे थे और वो दोनों टाइम रुकने की वजह से फ्रीज थे। पर तभी वहाँ कुछ एजेंट्स आ जाते हैं जो जैक की तरह हिल पा रहे थे। दरअसल वो सारे लोग हैरी के आदमी होते हैं, जो जैक के फादर के घर से वो घड़ी लेने आए थे। जैक तो ये देखकर तुरंत वहाँ से भागने लग जाता है, और अब हैरी और उसके पूरे साथी जैक का पीछा करने लगे थे। यहाँ जैक भागता भागता एक वैन के पास आ गया था, जिसमें से एक आदमी जैक को अंदर खींच लेता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो वैज्ञानिक था, जिसे कि हैरी ने किडनैप कर लिया था। वो वैज्ञानिक जैक को तुरंत यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन हैरी और उसके बाकी आदमी जैक का लगातार पीछा करते ही जा रहे थे। रास्ते में वो वैज्ञानिक जब जैक के हाथ में अपनी घड़ी देखता है, तब वो जैक से घड़ी छीनने लगा था। दोनों में से तो एकदम हाथापाई होना स्टार्ट हो जाती है, और अब इन्हीं सारी चीजों की वजह से वैज्ञानिक गाड़ी से नीचे गिर जाता है, और जैक गाड़ी के साथ साथ पानी के अंदर चला गया था। इन सभी एक्सीडेंट की वजह से जैक की वो एडवांस घड़ी पानी में चली जाती है। और अब अगले ही मोमेंट में जैक अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोल रहा था, और अब तो जैक के ऊपर एक गाड़ी चुराने का केस भी दर्ज हो गया था। लेकिन जैक उन सभी को इस घड़ी के बारे में सारी सच्चाई बताता रहता है, पर वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी जैक की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। जैक उन्हें अपनी घड़ी दिखाने की कोशिश भी करता है, पर अब पानी के अंदर जाने की वजह से वो घड़ी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। और अब देखते ही देखते हैरी के बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जैक कैसे भी बहाना बनाकर वॉशरूम में चला गया था, और अब वो अपनी एडवांस घड़ी को सुखाने की कोशिश करता है। बहुत बार ट्राई करने के बाद वो घड़ी आखिरकार चालू हो गई थी, जिसकी मदद से जैक वापस से टाइम रोक देता है। और अब सही समय पर वो हैरी के लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद जैक डायरेक्टली सोफिया के पास चला गया था। उसने तो सोफिया को सारी बातें बता दी थी, और अब सोफिया जैक की मदद करने के लिए अपनी कार लेकर जैक के फादर के फ्लैट में चली जाती है। जब वो दोनों जैक के फादर के रूम में पहुंचे थे, तब वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होते। दरअसल हैरी के लोगों ने ही कुछ ही देर पहले जैक के फादर को किडनैप कर लिया होता है। और अब जैसे ही जैक और सोफिया बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तभी उसी पागल साइंटिस्ट ने उन दोनों को पकड़ लिया था, जो जैक से लगातार उसकी घड़ी मांग रहा था। जैक तो अपनी घड़ी निकाल कर उस वैज्ञानिक को देता ही रहता है, तभी सोफिया ने वैज्ञानिक को एक अच्छी जगह लात मार कर अनकॉन्शियस कर दिया था। और अब जैक और सोफिया वैज्ञानिक को रूम में लेके आ जाते हैं, जहाँ पर वो वैज्ञानिक जैक को बता रहा था कि वो उसके फादर का दोस्त है और उन्हीं दोनों ने मिलकर इस घड़ी को बनाया है। जैक वैज्ञानिक की बातों पर भरोसा कर लेता है और उसे छोड़ देता है। अब वो वैज्ञानिक जैक की घड़ी को ठीक करने लगा था। कुछ टाइम बाद वो घड़ी रेडी हो जाती है। उस वैज्ञानिक ने घड़ी का कवर चेंज कर दिया था, लेकिन जैक ने चुपके से पुराने घड़ी का कवर अपने पास रख लिया होता है। साथ ही साथ वो वैज्ञानिक जैक को बता रहा था कि हैरी के लोगों के पास एक एंटी डिवाइस है, जिसकी मदद से वो टाइम स्टॉप होने पर भी मूव हो सकते हैं। इसीलिए वो वैज्ञानिक जैक और सोफिया के साथ मिलकर नाइट्रोजन की बॉल्स बनाता है, जिसे कि अगर हैरी के लोगों पर मारा जाएगा ना, तब वो अपने आप ही स्टक हो जाएंगे। अब सारी चीजें अपने साथ लेने के बाद वैज्ञानिक जैक और सोफिया के साथ हैरी की बहुत ही बड़ी कंपनी में आ गया था, जहाँ पर उसने जैक के फादर को कैद करके रखा हुआ होता है। लेकिन अब वैज्ञानिक उन दोनों के साथ आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो वैज्ञानिक इन सारी चीजों में वापस नहीं फंसना चाहता। और अब जैक और सोफिया लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जैक ने पहले तो अपनी घड़ी की मदद से सभी को स्टॉप कर दिया था, और फिर उसके बाद हैरी के जो भी लोग हिल पा रहे थे, जैक और सोफिया ने तो उन पर नाइट्रोजन की बॉल्स मारना स्टार्ट कर दिया था। अब सोफिया जैक से कहती है कि वो अपने फादर को जाकर ढूंढे, और यहाँ पर वो अकेले ही उन सारे लोगों को संभाल लेगी।
जैक अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने फादर को ढूंढने निकल पड़ता है। पर अब उसके सामने हैरी और उसके बाकी दोस्त आ गए थे, जिनके पास भी वही नाइट्रोजन वाली गन्स होती हैं, जिसकी मदद से उन्होंने जैक पर फायर कर दिया था। और अब जैक के साथ साथ सोफिया भी फ्रीज हो जाती है। हैरी ने जैक के हाथ से वो घड़ी ले ली थी और अब उन लोगों ने जैक और सोफिया को उनकी बहुत ही बड़ी हाइपर मशीन के अंदर डाल दिया था। उस मशीन के अंदर तो जैक के फादर भी मौजूद होते हैं। दरअसल हैरी चाहता था कि जैक के फादर इस हाइपर मशीन के ग्लिच को ठीक कर दे, इसीलिए हैरी ने उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा था। हालांकि जैक उस चैम्बर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। और अब तो हैरी ने उस पूरी जगह के चारों ओर शील्ड बना दी थी, यानी कि जैक, सोफिया और उसके फादर पूरी तरीके से फंस गए थे। तभी जैक अपनी जेब में से रियल वाली घड़ी बाहर निकालता है, यानी कि जो घड़ी हैरी के पास थी वो सिर्फ उसका कवर था। जैक ने चुपकी से घड़ी का ये कवर वैज्ञानिक के लेबोरेटरी से ले लिया था और अब जैक ओरिजिनल घड़ी को अपने हाथ में पहनकर उसे एक्टिवेट कर देता है। जैक पहले से ही एक हाइपर टाइम लूप में था, जहां पर अलग अलग टाइप की रेडिएशंस मौजूद थी, इसी वजह से उस घड़ी का असर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैक तो लगभग एकदम इनविजिबल हो गया था, साथ ही साथ वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज के आर पार जा सकता था। अपनी इसी नई एबिलिटी का यूज करके जैक हैरी के लोगों को मारता रहता है। जैक ने तो उस चैम्बर में से बाहर निकलकर सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नाइट्रोजन गैसेस की बॉल लगने की वजह से वो अपने नॉर्मल अवतार में आ जाता है। लेकिन तभी भी जैक हैरी के लोगों से फाइट करता ही जा रहा था, तभी अचानक से उस हाइपर टाइम लूप में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, क्योंकि जैक के फादर ने वहाँ पर फ्लेमेबल गैसेस छोड़ दी थी। इस धमाके में तो हैरी के बहुत सारे लोग मारे गए थे। जैक के फादर और सोफिया तो एक छोटे से चैम्बर में चले जाते हैं, जिससे कि वो दोनों पूरी तरीके से सेफ थे। पर अब हैरी ने उन सभी लोगों पर गन तान दिया था, लेकिन वो जैसे ही जैक और उसके फादर को मारने जा रहा था, तभी वो वैज्ञानिक पीछे से आकर हैरी पर नाइट्रोजन गन मार देता है, जिससे कि हैरी भी एकदम स्टक हो गया था। यानी कि वो सारे लोग इतनी मुश्किलों के बाद एकदम से बच गए थे। और अब हैरी के दिन पूरे होने के बाद नेशनल सिक्योरिटी के लोग आकर उसे अपने साथ गिरफ्तार करके लेकर चले जाते हैं। साथ ही साथ हैरी की कंपनी भी बंद हो चुकी थी। वैज्ञानिक ने तो लास्ट बार कोशिश करके उस हाइपर टाइम मशीन के ग्लिच को ठीक भी कर दिया था और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फाइनली जैक के फादर ने उसके लिए ब्रांड न्यू कार खरीद ली थी और अब जैक और सोफिया बहुत ही मजे से कार में बैठकर घूमने लगते हैं। पर जैक के पास अभी भी वो घड़ी मौजूद थी। अगर आप भी जैक की जगह पर होते तो उस एडवांस घड़ी का यूज कैसे करते, ये बात कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।